हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पेंड वाइजली। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड आज सबसे पॉपुलर कैशबैक क्रेडिट कार्ड्स में से आता है और एचडीएफसी बैंक के कस्टमर के लिए एक बुरी खबर यह है कि एचडीएफसी बैंक ने अपने मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट में रिडक्शन किया है और आज के इस वीडियो में मैं इसी रिडक्शन के बारे में बताने वाला हूं। इसी के साथ मैं आपको एक ऑल्टरनेट भी सजेस्ट करूंगा जिसको आप ले सकते हैं, जिससे उस रिडक्शन की वजह से जो बेनिफिट कम हुआ है वो आपके लिए फिर भी कम नहीं होगा। बट उससे पहले मैं आपको एचडीएफसी बैंक के मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के सारे बेनिफिट्स बता देता हूं और उसके जो हिडन फीचर्स और टर्म्स एंड कंडीशंस है वो बता देता हूं और उसके बाद हम लोग इस रिडक्शन की बात करेंगे। सो एचडीएफसी बैंक का जो मिलेनिया क्रेडिट कार्ड है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है उसकी 10 पार्टनर ब्रांड्स, मतलब 10 जो सबसे पॉपुलर ऑनलाइन साइट्स है उन सब के साथ उनके टाइप है जो मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है। और इन सब साइट्स पर अगर आप मिलेनिया क्रेडिट कार्ड को यूज करेंगे, कुछ भी स्पेंड करते हैं, तो आपको 5% का कैशबैक मिलता है अप टू 1000 रुपीज पर कैलेंडर मंथ। सिर्फ अगर आप कोई गिफ्ट कार्ड परचेज करते हैं, वॉलेट लोड करते हैं या फिर ईएमआई से कुछ भी शॉपिंग करते हैं पार्टनर साइट्स पर, तो वहां पर आपको 5% का कैशबैक नहीं मिलेगा। अदरवाइज सभी तरह के स्पेंड पर आपको 5% का कैशबैक मिलता है। कुछ लोगों का स्पेशल क्वेश्चन रहता है कि अमेजोन पे अगर मिलेनिया क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं बिल पेमेंट के लिए तो क्या 5% का कैशबैक मिलता है? तो दोस्तों, मिलेनिया क्रेडिट कार्ड से 5% का कैशबैक मिलता है अगर आप बिल पेमेंट भी करते हैं अमेजोन की साइट पर या उसके ऐप पर। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड को आप कहीं भी यूज कीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन, यहां तक कि वॉलेट लोड पे, ईएमआई ट्रांजेक्शन पे, तब आपको मिलता है 1% का कैशबैक और यहां पर भी मंथली लिमिट है 1000 रुपीज पर कैलेंडर मंथ। तीसरा जो कैटेगरी आता है कैशबैक का वो है स्मार्ट बाय। सो दोस्तों, एचडीएफसी बैंक का एक स्पेशल पोर्टल है जिसका लिंक मैंने यहाँ स्क्रीन पर दिया हुआ है। उस पोर्टल पर एचडीएफसी बैंक के कस्टमर जो है अपना फ्लाइट बुकिंग कर सकते हैं, होटल बुकिंग कर सकते हैं, ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं, बस टिकट बुक कर सकते हैं, गिफ्ट वाउचर्स खरीद सकते हैं और भी बहुत कुछ स्पेंड जो है वो कर सकते हैं। तो उस साइट पर अगर आप मिलेनिया क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपको 5% का रियल कैशबैक यहाँ अलग से मिलता है, प्लस आपका ये जो एक्सपेंडिचर है स्मार्ट बाय पर ये आपका अदर स्पेंड कैटेगरी में गिना जाता है। तो मिलेनिया का जो डिफॉल्ट 1% कैशबैक होता है अदर स्पेंड पे वो भी आपको मिलता है। तो मतलब स्मार्ट बाय पर आप जो भी शॉपिंग करेंगे आपको 5+1% मतलब 6% का अलग से कैशबैक मिल जाता है। 5% का जो स्मार्ट बाय का कैशबैक है उसकी भी मंथली लिमिट है जो है 1000 रुपीज पर मंथ। तो कुल मिला के 10 पार्टनर ब्रांड्स पे 1000 रुपीज, अदर स्पेंड पे 1000 रुपीज और स्मार्ट बाय पर 1000 रुपीज, तीनों मिला के आपको महीने में 3000 रुपए का रियल कैशबैक मिलता है मिलेनिया क्रेडिट कार्ड से, साल का 36000। इसके अलावा किसी भी कैलेंडर क्वार्टर में अगर आप 1,00,000 रुपए से ज्यादा का स्पेंड करते हैं तो आपको 1000 रुपीज का गिफ्ट वाउचर मिलता है। आपके पास 4 या 5 ऑप्शंस आते हैं जिसमें बुक माई शो, बिग बास्केट और जो मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ इस तरह के ऑप्शंस रहते हैं। आप चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा वाउचर इसमें चाहिए। अगला बेनिफिट की बात करें तो डाइन आउट ऐप में अगर आप मिलेनिया क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं किसी भी रेस्टोरेंट में पेमेंट के लिए, तो डाइन आउट का जो डिस्काउंट है वो तो आपको मिलता ही है। इसके अलावा 5% का अलग से डिस्काउंट मिलता है और यहाँ पर इस डिस्काउंट की जो लिमिट है वो मंथली 300 रुपीज है। और इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप हर क्वार्टर में 2 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज को एक्सेस कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब साल में 8 बार एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस आप फ्री में कर सकते हैं मिलेनिया का क्रेडिट कार्ड यूज करके। बट एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस जो है वो प्राइमरी क्रेडिट कार्ड होल्डर के लिए ही वैलिड है, एड ऑन कार्ड होल्डर को ये बेनिफिट नहीं मिलता है। इस कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी दोनों ही 1000 रुपीज प्लस जीएसटी, मतलब 1180 रुपए है। बट ज्वाइनिंग फी पे करने पर आपको 1000 कैशबैक पॉइंट मिल जाते हैं, मतलब सिर्फ 180 रुपए जो जीएसटी है वही आपको पे करना पड़ता है। रिन्यूअल फी पे करने के अगेंस्ट में आपको कुछ नहीं मिलता है, बट अगर आपने साल में 1,00,000 रुपए से ज्यादा का स्पेंड किया है तो आपकी रिन्यूअल फी जो है वो वेव ऑफ हो जाती है। बट एक गुड न्यूज ये है कि अभी एक ऑफर चल रहा है स्पेशल लिमिटेड टाइम, अगर आप कार्ड इश्योरेंस के 90 दिनों के अंदर 50,000 रुपीज से ज्यादा का स्पेंड करते हैं तो आपका कार्ड जो है वो लाइफ टाइम फ्री हो जाता है। अगर 90 दिनों के अंदर आपने कोई एड ऑन कार्ड भी अप्लाई कर दिया अपने फैमिली मेंबर्स के लिए जो एकदम फ्री रहता है, तब भी आपका कार्ड जो है वो लाइफ टाइम फ्री हो जाता है। और अगर आपने कार्ड जो है कार्ड टू कार्ड बेसिस पे अप्लाई किया है तब भी आपका कार्ड जो है वो लाइफ टाइम फ्री हो जाता है। बट ये तीनों ही तरीके जो है वो एक लिमिटेड टाइम ऑफर के तहत दिए जा रहे हैं। तो जब भी आप कार्ड को अप्लाई करें तो अपने बैंक के रिप्रेजेंटेटिव से या कस्टमर केयर से एक बार चेक कर ले कि लाइफ टाइम फ्री ऑफर अभी भी वैलिड है या नहीं है। एक बात याद रखें कि इसमें जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं वो कैश पॉइंट के फॉर्म में मिलते हैं जिसको आपको रिडीम करना होता है। रिडीम आप 3 तरीके से कर सकते हैं, इसको स्टेटमेंट के अगेंस्ट में अपना आउटस्टैंडिंग जो है वो क्लियर करने में यूज कर सकते हैं, बट उसके लिए आपके पास मिनिमम 500 पॉइंट होने चाहिए। अगर 500 पॉइंट नहीं है तो आप स्मार्ट बाय पर फ्लाइट या होटल बुकिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट वहां पर आपकी एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू सिर्फ 30 पैसा रह जाती है। तो ये वे जो है मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। इसके अलावा एक इनका रिवॉर्ड कैटलॉग भी रहता है जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं, उन प्रोडक्ट्स को परचेज करने भी आप रिवॉर्ड पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको रिडेम्पशन चार्जेस लगते हैं। मतलब हर बार आप कैटलॉग से प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो आपको 99 रुपीज प्लस जीएसटी अलग से इसमें पे करना होता है। ये तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि इस कैटलॉग में जो प्रोडक्ट्स रहते हैं वो भी एमआरपी पे हाईली ओवर प्राइस रहते हैं।
सो स्टेटमेंट के अगेंस्ट पे रिडीम करना सबसे अच्छा तरीका है। उसके लिए आपको नेट बैंकिंग में जाना होगा, उसमें आपको कार्ड का टैब दिखेगा, वहां पर आपको इंक्वायर वाले टैब में जाना है। इंक्वायरी के अंदर में आपको मिलेगा रिवॉर्ड पॉइंट्स, रिवॉर्ड पॉइंट्स पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स दिखाई देंगे और आपको आगे की स्टेप्स फॉलो करनी है जैसा कि स्क्रीन पर दिया जाता है, और उससे आपका रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो आपके स्टेटमेंट में क्रेडिट हो जाते हैं। एक रिवॉर्ड पॉइंट के अगेंस्ट में 1 रुपया क्रेडिट होता है, जिससे आगे का आपका जो मंथली बिल आता है उसमें ये रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो एडजस्ट होकर आते हैं। सो ये तो हो गया HDFC बैंक के मिलेनियर क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा बेनिफिट जो उन्होंने रिड्यूस किया है। दोस्तों HDFC बैंक के मिलेनियर क्रेडिट कार्ड के साथ में जो एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलता है वो अभी भी आपको हर क्वार्टर में 2 लाउंज एक्सेस मिलेगा, बट 12 अगस्त 2022 तक इनका टाइप जो था वो करीब 40 से ज्यादा एयरपोर्ट लाउंजेस के साथ में था, बट वो घटकर अभी सिर्फ 10 या 12 रह गया है। जो 6 मेजर सिटीज है जिसमें मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद और बैंगलोर, सिर्फ इन 6 सिटीज के जो एयरपोर्ट है उन लाउंजेस पर ही आप ये मिलेनियर क्रेडिट कार्ड को यूज करके एक्सेस कर सकते हैं। जितने भी Tier 2 और टूरिस्ट सिटीज पहले इनके टाइप में थे वो अब सारे डिसकंटिन्यू कर दिए गए। मतलब पहले आप उदयपुर, जयपुर, गोवा, लखनऊ, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, श्रीनगर, रांची, इस तरह के सिटीज में भी एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस कर सकते थे, बट अब आप मिलेनियर क्रेडिट कार्ड को यूज करके एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस इन सिटीज में नहीं कर पाएंगे। सो जो रेगुलरली एयर ट्रैवल करते हैं या इवन साल में 2-3 बार भी अगर जाते हैं टूरिज्म के लिए या इस तरह की चीजों के लिए टीयर टू सिटीज में, तो वहां पर एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस अब मिलेनियर क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को नहीं मिल पाएगा। सो उन लोगों के लिए काफी सिग्निफिकेंट रिडक्शन होता है। सो दोस्तों जब ये अनाउंस हुआ था तो मैंने सर्च किया कि क्या कोई और अल्टरनेट क्रेडिट कार्ड है जो यूज किया जा सकता है इस तरह के एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के लिए। तो दोस्तों IDFC बैंक ने 4 क्रेडिट कार्ड करीब साल पर पहले लॉन्च किए थे मार्केट में, उसमें से जो उनका सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड और वेल्थ क्रेडिट कार्ड है उनके साथ एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलता है। सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड जो है इनका मीडियम कैटेगरी का क्रेडिट कार्ड है जो एक मिलेनिया या रिगालिया क्रेडिट कार्ड यूजर्स को भी आसानी से अप्रूव होकर मिल सकता है। उस क्रेडिट कार्ड में जो है आपको फुल लाउंज एक्सेस मिलता है डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे, हर क्वार्टर में आपको 4 एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलता है, मतलब साल में 16 बार आपको एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलता है एकदम कॉम्प्लीमेंट्री। यही नहीं, आपके एड ऑन क्रेडिट कार्ड मेंबर को भी ये एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, आप 3 एड ऑन कार्ड इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको रेलवे लाउंज एक्सेस भी मिलता है साल में 16 बार, क्वार्टर में 4 बार, वो एक्सेस भी आप कर सकते हैं खुद के लिए और अपने एड ऑन कार्ड मेंबर्स के लिए। आपको ऑन साइट रोड असिस्टेंट मिलता है जो 1399 रुपए का रहता है, जिसमें अगर आपकी कोई व्हीकल है, 4-व्हीलर है, वो अगर ऑन रोड अगर खराब हो जाती है तो उसको टोइंग का, उसको पिकअप का, उसको ठीक करवाने का पूरा असिस्टेंट ऑन द स्पॉट आपको वहां पर दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी मूवी टिकट आप बुक करते हैं तो 1 टिकट के साथ में 1 टिकट आपको फ्री मिलता है, 250 रुपीज तक का फ्री टिकट हो सकता है, उससे ज्यादा का वैल्यू होगा तो डिफरेंस जरूर आपको पे करना होता है, बट महीने में 2 बार आपको ऐसे फ्री टिकट मिलता है, मतलब साल में 24 फ्री टिकट्स आपको मिल जाते हैं। रिवॉर्ड रेट्स की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको ऑफलाइन स्पेंड पर 3x रिवॉर्ड पॉइंट्स और ऑनलाइन स्पेंड पर आपको 6x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू जो रहती है 25 पैसा रहती है 125 रुपीज के स्पेंड पे। तो इफेक्टिवली देखें तो आपको ऑनलाइन स्पेंड पे 1.2% का डिफॉल्ट कैशबैक मिलता है, ऑफलाइन स्पेंड पे 0.6% का डिफॉल्ट कैशबैक मिलता है। बट अगर किसी भी महीने में 25,000 रुपए से ज्यादा का अगर आपका स्पेंड हो जाता है, 25,000 से ऊपर का जो भी स्पेंड है उस पर आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, मतलब 2% का आपको यहाँ पर कैशबैक मिल जाता है। तो कैशबैक रेट भी यहाँ पर काफी अच्छी है। मिलेनियर क्रेडिट कार्ड में कैशबैक की 1,000 रुपीज का कैपिंग है हर कैटेगरी पर, यहाँ पर कोई कैपिंग नहीं है, तो ये काफी अच्छी बात हो जाती है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये IDFC का क्रेडिट कार्ड जो है लाइफ टाइम फ्री है, इसमें एक स्पेशल ऑफर चल रहा है। इस क्रेडिट कार्ड को अगर आप कैश करो ऐप के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपको 750 रुपए का अमेजोन का गिफ्ट वाउचर मिलता है। मैंने भी अभी रिसेंटली IDFC का वेल्थ क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था जिससे मुझे 750 रुपए का गिफ्ट वाउचर अमेजोन का मिला। मैंने अपना कैश करो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस लिंक को यूज करके आप कैश करो ऐप के थ्रू IDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको कार्ड तो लाइफ में फ्री मिलेगा ही, आपको 750 रुपए का अमेजोन का गिफ्ट वाउचर मिलेगा, प्लस कार्ड इश्यू होने के पहले 90 दिनों के अंदर अगर आप 15,000 रुपए या उससे ज्यादा का खर्च करते हैं तो आपको अलग से 500 रुपए का अमेजोन का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। और अगर आप एड ऑन कार्ड अप्लाई करते हैं तो एड ऑन कार्ड के साथ में पहले 500 रुपए स्पेंड करने पर आपको फिर 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। ऐसे 3 एड ऑन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, तो मतलब 750 रुपए का कैश करो की तरफ से आपको गिफ्ट वाउचर मिलेगा, प्राइमरी कार्ड पर आपको 500 रुपए का अमेजोन का गिफ्ट वाउचर मिलेगा और 3 एड ऑन कार्ड पर अलग से आपको 500-500 रुपए की गिफ्ट वाउचर मिलेंगे, मतलब टोटल 2750 रुपए का आपको ज्वाइनिंग बेनिफिट इसमें मिल जाता है। लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, बहुत सारे इसमें रेगुलर ऑफर्स भी चलते रहते हैं, तो एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस और अदरवाइज भी आप इस क्रेडिट कार्ड को लेके रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्रेडिट कार्ड है। तो दोस्तों ये था वीडियो HDFC बैंक के मिलेनियर क्रेडिट कार्ड के बारे में, उसके बेनिफिट रिडक्शन के बारे में और IDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के बारे में। वीडियो यूजफुल लगाओ, इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।